हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि बच्चों को आफ्टर कैसे सिखाएं मैथ्स में, क्योंकि आफ्टर और बिफोर में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। लेकिन अगर हमें सिखाना है तो सबसे पहले हमें आफ्टर ही सिखाना है, जिससे बच्चा कन्फ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आज हम लोग आफ्टर लर्न करेंगे, ओके। और बच्चों को कैसे दिखाएंगे, जैसे आफ्टर सिखाने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी नंबर दे देना है, जैसे हमने 3 दे दिया। और आफ्टर की जो लाइन देनी है वो हमेशा राइट की तरफ ब्लैंक रखना है, ब्लैंक हमें देना है राइट की तरफ, यानी कि इस तरह से, ठीक है, ये राइट की तरफ रहेगा। और फिर हमें ये कहना है कि 3 के आफ्टर में बताओ, टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 3। तो बच्चा नहीं बता पाए तो हमें 1-2 काउंटिंग लिख देना, या फिर बच्चे से कहेंगे कि 1-2 इस तरह से काउंटिंग करके हमें दिखाओ। तो इस तरह से हम काउंटिंग लिख देंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बच्चा आपको लिख के दिखाएगा। फिर हम उसे कहेंगे कि जो नंबर हमारा दिया गया है उसके नीचे देखो कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा बोलेगा 3 के नीचे है 4, ठीक है, 3 के नीचे 4 है, तो वही हमारा आफ्टर हो जाएगा। जो जिस नंबर के नीचे रहेगा वो हमारा आफ्टर हो जाएगा। तो 3 के नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा आफ्टर। तो व्हाट कम्स आफ्टर 3, तो 4 हमारा आफ्टर हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद है 5। तो 5 में भी इसी तरह हम पूछेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर 5, 5 के आफ्टर में क्या होगा। तो बच्चे से बोलेंगे कि काउंट करो, तो 1, 3, 4, 5, 6, 5 के नीचे 6 है। तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि 5 के नीचे 6 है, तो 6 आफ्टर में हो जाएगा। अब हम 8 लेंगे, 8 को समझाएंगे, मैं कोई भी नंबर ले ले। अब जब बच्चा लिखना सीख जाएगा तो चलिए अब हम उसे कहेंगे कि अब तुम ओरल काउंट करो, मतलब लिख करके नहीं, ये तो हम बता देंगे इस तरह से लिख करके, पर अगर 1, 2, 3, 4 ओरल काउंट करो और फिर 8 के आफ्टर में लिखना है, तो 8 के बाद में स्टॉप हो जाना है। 8 है तो 9 पे आके स्टॉप, ठीक है। जैसे बच्चा 1 काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे स्टॉप, इस तरह से समझाना है हमें। तो इस तरह हमें बच्चों को समझाना है कि जिस भी नंबर का हमें आफ्टर लिखना है उसके बाद तक काउंट करेंगे। जैसे अगर 8 है तो 9 तक काउंट किया, अब जैसे 7 है तो 8 तक, 7 के बाद तक, यानी कि 8 तक काउंट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक दिन में तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करते करते ही होगा, तो आप प्रैक्टिस कराना है, ओके। अब ये तो हो गया स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में हमें बच्चों को इस तरह समझा देना है। और दूसरा तरीका भी है जिसमें हम बच्चों को समझा सकते हैं आफ्टर क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए स्लिपिंग लाइन इस तरह से, अब 1, 2 हमें लिख देना, यानी नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन कहते हैं, उसे हमें समझाना है आफ्टर बिफोर, समझा सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लेंगे, ओके। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब हमें आफ्टर दिखाना है इसमें, ठीक है। तो राइट की तरफ जो हमारा नंबर रहेगा वो आफ्टर रहेगा और बिफोर वाला लेफ्ट की तरफ रहेगा। तो खैर, हम यहाँ अभी आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो चलिए आफ्टर को समझते हैं पहले। जैसे 6 हमने ले लिया, तो हमें बच्चे को बताना है कि 6 के आफ्टर में क्या होगा। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, 6 के बाद क्या आता है, 6 के राइट में क्या आता है। तो 6 के राइट में 7 है, तो 7 आफ्टर हो जाएगा, यानी 6 के आफ्टर में क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ऐसे हम बच्चों को समझा देंगे। अब इसी तरह हमारा 8 है नेक्स्ट नंबर, तो 8 के आफ्टर में क्या होगा, ओके, व्हाट कम्स आफ्टर 8। तो 8 के राइट में क्या है, बच्चों से पूछेंगे 8 के राइट में क्या है, तो 9 है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, 8 के आफ्टर में 9 हो जाएगा, ओके। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों में कि राइट की तरफ हमारा क्या नंबर आता है और लेफ्ट की तरफ क्या होता है। पहले हमें ये बताना होगा कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा। तो ये 8 के आफ्टर में हमारा 9 आ गया। अब उसी तरह नेक्स्ट हम लेते हैं, तो जैसे 3 ले लिया,
तो अब थ्री की राइट में क्या है, बच्चा जानेगा तो ज़रूर बताएगा कि थ्री की राइट में फोर है, तो थ्री के आफ्टर में फोर हो गया, जो राइट में रहेगा वो आफ्टर कहलाएगा, नंबर लाइन जब हम लेंगे तब। अब बात करें अगर फाइव की, तो फाइव के राइट में क्या है, सिक्स है, तो वही हमारा आफ्टर में सिक्स हो जाएगा। तो हम इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, और स्टैंडिंग लाइन से भी हम समझा सकते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन में वन टू थ्री रहता है, किसी भी तरीके से हम बच्चों को समझाएं आफ्टर, लेकिन बस उन्हें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर क्या होता है। ओके, तो किसी विधि से हम आफ्टर को समझा सकते हैं, लेकिन पहले आफ्टर को समझाने का एक ही तरीका चुनें जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो। ओके, हमें आसानी से बच्चों को समझाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आपको प्रेस करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।